दानिश अल्फाज का कल एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ, आपने देखा होगा, दानिश ने अपनी स्टोरी पर लगाया भी था। उसी के साथ साथ सना इस्लाम को आपने देखा होगा, दानिश की जो जी है वह सना इस्लाम, उन्होंने भी प्रे के लिए कहा है। बहुत सी उनकी वीडियोज़ भी वायरल हो रही है और आपने देखा है। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत सी वीडियो में दानिश को बताया जा रहा है कि दानिश की डेथ भी हो चुकी है। तो इस पर हम पर्दाफाश करने वाले हैं और बताने वाला आपको सच्ची न्यूज़ क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो, सना इस्लाम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आपको देखकर पता चल जाएगा किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने अभी सिर्फ छोटी सी क्लिप बना के बताई है और बड़ी क्लिप अभी बता रहे हैं कि हम थोड़ी दानिश के अच्छे होने के बाद आपको बड़ी क्लिप भी बता देंगे कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आपको बता दूँ कि दानिश अल्फाज का सच में एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई है। बहुत सी वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि दानिश अल्फाज की डेथ हो गई है, लेकिन आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर सना ने खुद बताया है कि दानिश अभी बिल्कुल थोड़े ठीक नज़र आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाएगी और फिर उनकी जो एक्सीडेंट की वजह है वो भी सामने आने वाली है। तो बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके फैंस परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको बता दूँ कि दानिश अल्फाज जो है वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगी। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था उनका, जिसकी वजह से उनको नाक पर मुँह पर थोड़ी सी चोट आई है, और ऐसा देख कर ऐसा लग रहा है कि वो दवाखाने में जो एडमिट थे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों में रिकवर होकर आपके सामने बिल्कुल आ जाएंगे।